मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल, वेलकम बैक अगेन। बेटा तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 74। तो वर्कशीट नंबर 74 में हमने पढ़ना प्रश्न पत्र, यानी कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा। तो क्वेश्चन पेपर में जो आपके आएंगे, आपका भाग ए का आएगा, जिसका नाम होगा भाग ए। और भाग ए में आपके पास दो पार्ट होंगे, खंड एक और खंड दो। तो खंड एक में आपके पास टोटल 16 क्वेश्चन होंगे, जिनके जो एक एक मार्क्स के ऊपर होंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आएगा स्टडी मार्क्स, स्टडी केस की स्टडी में एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, और टोटल आएंगे 4 क्वेश्चन एक में, ठीक है। तो टोटल आपके पास कितने होंगे, वहाँ से भी 16 मार्क्स। तो जो आपका भाग एक है, वो आपका भाग ए टोटल आएगा 32 मार्क्स का। तो उसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन करने हैं। देखो ध्यान से, इसने बोला अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो पहला क्वेश्चन, एपी आपको एक एपी दी हुई है, उसके प्रथम पद और सार्वांतर। प्रथम पद क्या होता है आपको पता है, तो यहाँ से ए ए की वैल्यू कितनी हो गई, 34। और दूसरा सार्वांतर, सार्वांतर क्या होता है, डी। डी को किससे लिखते हो, पिछली टर्म में से अगली टर्म को क्या कर देते हो, माइनस। तो 32 में से 34 गया माइनस के 2, तो आंसर कितना आ गया, -2। ठीक है, अगले पे आ जाओ। अगले में इसने बोला बिंदु दिस और बिंदु ये और इसके बीच की दूरी निकालो। तो अगर वाई एक्स की बात करूँ, तो वाई पे बेटा एक्स जो होता है वो 0 होता है। आपको फॉर्मूला पहले से ही पता है, तो क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 माइनस x1। तो 0 माइनस माइनस 5, तो प्लस का 5, प्लस के 5 का स्क्वायर, जमा y2 माइनस y1, यानी कि y-8 का स्क्वायर। तो क्या बना, 25 जमा वाई स्क्वायर जमा 64 जमा 8 दूनी 16 वाई, ठीक है। तो ये यहाँ से आपका क्या आ गया आंसर, इसको और इसको जोड़ दो, कितना आ गया, 60 89, ठीक है। तो अब आ जाओ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, किसी वर्ग अंतराल की ऊपर ऊपरी वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के अंतर को क्या कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा क्लास साइज, हिंदी में आपका बोलते हैं मे बी साइज ही बोलते होंगे, एक बार चेक कर लेना बच्चे, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो नेक्स्ट, अगर यहाँ से देखो मेरे को निकालनी है परिधि। अब आपको व्यास दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या निकालनी पड़ेगी, त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास का आधा, तो कितना आ गया, 7, ठीक है। अगर मैं निकालूँ परिधि, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, 2πr, यानी कि 2 × 22/7 गुना आर कितना है, 7, 7 से 7 कट गया, कितना आ गया, 44, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, केस स्टडी वाले पे। इसने बोला पंकज और भावेश, केस स्टडी में नॉर्मली आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इनमें से 5 में से कोई 4 आपके ठीक होंगे, तो 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, मतलब 4 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो उसने क्या बोला, पहला क्वेश्चन आपका कहता है पंकज और भावेश ताश खेल रहे हैं, खेल की शुरुआत में भावेश ने गड्डी से काले अभाज्य, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं बेटा, अगर मैं बात करूँ तो 2 3 5 और 7, ठीक है, काले रंग की निकाल दिए, तो 1 2 3 4 4 2 8, क्योंकि काले रंग के दो कार्ड्स होते हैं आपके पास, ठीक है, तो यहाँ से बन गए 8। दूसरा उसने बोला लाल रंग की बेगम निकाल दी, तो लाल रंग में कितनी बेगम होती है, 2, तो टोटल कितने कार्ड निकल गए, 10, 10 आपने निकाल दिए, ठीक है। उसके बाद उसने अपनी मर्जी से पत्ते निकाले, तो उसने बोला गड्डी में शेष पत्ते टोटल कितने होते हैं, 52, 52 में से 10 उसने निकाल दिए, कितने बचे, 42। तो फर्स्ट का आंसर आ गया डी, ठीक है। अगले पे आ जाओ, गड्डी में कितने पत्ते चित्र शेष हैं। अब अगर मैं चित्र वाले पत्तों की बात करूं तो कौन कौन से होते हैं, ध्यान से देखना बेटा। अगर चित्र वाले पत्तों पे मैं जाऊं तो मेरे पास हमारे हमेशा कौन से होते हैं, किंग क्वीन और जैक, ठीक है। अब उसने देखो टोटल कितने, ये 1 में 3 होते हैं, तो 4 में कितने होंगे, 12, ठीक है। और 12 में से 2 आपने पहले ही निकाल दिए, तो कितने बचे, 10, तो आंसर कितना आ गया, 10। आगे देखो, पंकज के जीतने के लिए उसने बोला किंग आना चाहिए, जीतने के लिए उसने क्या बोला कि क्या आना चाहिए, किंग आना चाहिए, तो 4 किंग हैं आपके पास, और टोटल कितने कार्ड्स हैं, 42, तो कितना आ गया, 2/21, तो आंसर आ गया सी। आगे देखो, इसने बोला 3 से गुना होने वाले पत्ते, अगर 3 से गुना होने वाले पत्तों की बात करूँ तो 3, 6 और 9 ये होते हैं, 3, 6 और 9 लाल रंग में तो है मेरे पास, तो मेरे पास कितने बने लाल रंग के, टोटल 6 पत्ते। अगर मैं काले रंग की बात करूँ तो 3 तो उसने पहले ही निकाल दिया, तो क्या बचा, 6 और 9, ठीक है, तो 2 दूनी 4, तो टोटल कितने कार्ड बन गए, 10, तो 10/42, तो कितना आ गया, 5/21, यानी कि आपके पास आंसर आ गया यहाँ से ए, ठीक है। अगले में आ जाओ, लास्ट में, ना गुलाम ना बेगम, ठीक है, ना गुलाम ना बेगम, यानी कि जैक और क्वीन, ठीक है। तो गुलाम और बेगम टोटल कितने हो गए, 12, नहीं, टोटल यहाँ से आपके पास कितने हो गए, 8, 4 दूनी 8, ठीक है। और लाल रंग की जो
क्वीन है, आपने पहले ही निकाल दी, तो कितने बचे? 6, तो 6/42, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया? 1/7, यानी कि आपका आंसर आ गया 1/7। क्लियर? तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 74। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।